हाय एवरीवन, मेरा नाम छाया है और ये मेरा चैनल है रिदम्स ऑफ नेचर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी मैं। कभी भी आपको दर्द होता है, कभी चोट लग जाती है, कुछ घाव रहता है, कभी कभी बहुत दिनों का रहता है, तो न जाने कितने हम हॉस्पिटल जाते हैं तो कभी सुधरता ही नहीं, तो पिटकरी आती। पिटकरी बोलते हैं मराठी में, अलम बोलते हैं इंग्लिश में, और फिटकरी भी बोलते हैं उसको। उसका पानी लीजिए और घाव पर ऐसे एक तो बारीक करके पीस के लगा लीजिए, थोड़ा दर्द होगा, या फिर पानी से साफ कर लीजिए। कभी कभी बरसाती छाले भी आते हैं पैरों में, तो आप रात के वक्त गर्म पानी में वो पिटकरी घोल कर पैरों पर डालोगे तो दूसरे दिन आपको आराम मिलेगा। अपने जाने डॉक्टरों पर कितने पैसे खर्च करते होंगे, कभी कभी दो तीन जगह भी जाना पड़ता है, तो आपके पैसे बचेंगे। बहुत आसान तरीका है ये, 15 रुपये की या 20 रुपये की आती है वो पिटकरी। और ये मेरा खुद पे 2 साल से मेरे पैरों में टोनिल था, टोनिल यानी वो नाखून है अंदर चला जाता है, तो न जाने कितने डॉक्टरों के पास गई और इतना दर्द रहा 2 साल तक। तो अभी 2 साल तक मैंने सब कुछ झेला, किसी का इतना सा भी लगे तो मुझे इतना दर्द होता था, उसमें ब्लड आने लगता था और बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। सिर्फ मैंने उस घाव पे ये लगाया, पिटकरी को पीस के उसको लगा दिया और 2-3 बार उसको वो पिटकरी के गर्म थोड़े गर्म पानी से धो लिया। कुछ भी घाव हो, कहीं दर्द हो रहा या फिर आपको चोट या मोच लग जाए तो आप ये वाला नुस्खा यूज कीजिए। वो एक दिन वो मेरा टोनिल जो 2 साल से था, ना जाने कितनी बार मैं हॉस्पिटल गई उसके लिए, किसी डॉक्टर ने तो बोले थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो नाखून अंदर चला जाता है अभी कुछ लग जाए तो उसमें जख्म हो जाता है, वैसा हुआ था मुझे। अभी कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन है। तो पिटकरी जो है एकदम आसान तरीका है, आपको कहीं जाने आने की हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और कभी कभी जो घरेलू है या बाहर भी बहुत लोग छोटे छोटे काम या कुछ भी करने के लिए जाते होंगे, तो आप हॉस्पिटल में ना जाए तो अच्छा, ना जाइए, मेडिकल में जाइए और थोड़ा पिटकरी खरीद कर वो पानी बना लीजिए, थोड़ा गर्म पानी कीजिए और उसको घाव पर लगा लीजिए तो परफेक्ट एक दिन में ठीक हो जाएगा। किसी को ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो ये छोटा सा उपाय है, आप कीजिए तो शायद आपके पैसे भी बचेंगे, वक्त भी बचेगा। तो इतनी सी बात बतानी थी। सो थैंक्स, बाय एंड टेक केयर, बाय।